हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA के क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 10 दिसंबर को होने वाले भारत श्रीलंका वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया धर्मशाला पहुंच गई है। स्टेडियम से 15 किलोमीटर दूर गग्गल एयरपोर्ट पर वीरवार दोपहर पर पहुंची और वहां से स्टेडियम के लिए रवाना हो गई। होटल द पवेलियन में भारत और श्रीलंका की टीमें रुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला स्टेडियम में 10 दिसंबर को 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जाएगा। हाल ही में खत्म हुई टेस्ट श्रृंखला में भारत ने श्रीलंका को 1-0 मात दी है। भारत श्रीलंका के लिए जिला प्रशासन की बैठक हुई है। DC कांगड़ा की अध्यक्षता में बैठक में हुई है। सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग स्थल भी निर्धारित कर लिए गए हैं। मैच के दिन ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव रहेगा। मैच को लेकर HPCA ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर टिकट काउंटर पर टिकटों की बिक्री हो रही है। टिकट काउंटर पर 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक की टिकटें मिल रही है। महिलाओं और स्टूडेंट के लिए 599 रुपए और 499 रुपए में टिकट मिल रहे हैं। आधा रकार्ड या पहचान पत्र दिखाकर टिकट खरीदे जा सकते हैं। लोगों की भावनाओं को देखते हुए HPCA ने टिकटों के दामों में कमी की है। एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को स्पेशल वाहनों में धर्मशाला स्थित द पवेलियन होटल पहुंचाया जाएगा, जहां टीम के ठहरने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, यदि ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू 24 न्यूज़। धन्यवाद।